था रमेश और एक था सुरेश। दोनों बचपन के दोस्त थे तो दोनों ने साथ साथ सेम कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। जब जॉब प्लेसमेंट की बात आई तो दोनों ने एक ही कंपनी में जॉब एप्लीकेशन भी भेज दिया, ये सोचते हुए कि अब साथ साथ काम करेंगे। पर अफसोस, सुरेश का सिलेक्शन हो गया और बेचारा रमेश रह गया। तब उदास होकर रमेश ने सुरेश से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो एचआर ने तुम्हें नेक्स्ट राउंड के लिए डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया। तब सुरेश ने अपने दोस्त को बताया कि ये सब उसके जॉब एप्लीकेशन का कमाल है। उसने कुछ इस तरह से अपना जॉब एप्लीकेशन भेजा कि एचआर ने उसे तुरंत ही नेक्स्ट राउंड के लिए भेज दिया। आइए जानते हैं सुरेश ने ऐसी कौन सी टिप्स यूज की। पहली बात जो सुरेश ने रमेश को बताई वो ये कि हमेशा एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी यूज करनी है, जैसे कि ये या फिर ये। कोई एचआर नहीं चाहता कि उनको ऐसी ईमेल आईडी से मेल आए। फिर आगे सुरेश ने रमेश को बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सब्जेक्ट लाइन। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जब वो जॉब एप्लीकेशन में कोई उल्टी सीधी सी सब्जेक्ट लाइन लिख देते हैं, जैसे कि डिमांडिंग फॉर अ जॉब एट योर कंपनी, रिक्वेस्टिंग फॉर जॉब, नीड फॉर अ जॉब एटसेट्रा। याद रखिए दोस्तों, एक सब्जेक्ट लाइन आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जिससे एचआर को ये पता चलेगा कि आपने उससे आखिर कॉन्टैक्ट क्यों किया। इसीलिए जब भी आप जॉब एप्लीकेशन भेजें तो कोशिश करें कि एक सोफिस्टिकेटेड सी सिंपल और डायरेक्ट सब्जेक्ट लाइन यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हैं या फिर अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ एक्स वाई जेड। रमेश को फिर एहसास हुआ कि उसने तो ये सारी ही बेवकूफियां की हुई हैं। उसने फिर सुरेश से रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ा आगे भी बताना। सुरेश ने फिर आगे बताया कि हमें ध्यान रखना है कि कोई भी जॉब ईमेल में हमें शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रिविएशंस का यूज नहीं करना, इससे आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड पर सवाल उठता है। रमेश को एहसास हुआ कि उसने तो ये बेवकूफी भी की हुई है। फिर सुरेश ने अपने प्यारे रमेश को बताया कि ईमेल खत्म होने पर एक सोफिस्टिकेटेड सी क्लोजिंग लाइन लिखना भी बहुत जरूरी है। इनफॉर्मली बाय बाय लिखकर कभी भी अपनी जॉब एप्लीकेशन को खत्म मत करना। फिर आती है बारी कॉन्टैक्ट डिटेल। सुरेश ने रमेश को समझाया कि अगर तुम कॉन्टैक्ट डिटेल सही तरीके से नहीं भेजोगे तो चाहे तुम्हारा अटैच रिज्यूमे और कवर लेटर कितना भी अच्छा हो, कोई एचआर तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। किसी एचआर के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे जॉब एप्लीकेशन में तुम्हारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ढूंढे। तो हमेशा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस फॉर्म में लिखनी है कि वो तुरंत ही नजर में आ जाए। जब रमेश ने ये सब सुना तो बेचारा बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसने अपने जॉब एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट ये सारी गलतियां की हुई थी। सुरेश ने जब अपने प्यारे रमेश का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उससे कहा, कोई बात नहीं भाई, ये नहीं तो अगली जॉब सही, अगली बार ये सब चीजों का ध्यान रखना। और रही बात साथ साथ काम करने की, तो चाहे हम सेम कंपनी में काम करें या अलग अलग, हम हमेशा ही जिगरी दोस्त रहेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज के लिए फॉलो कीजिए हमारे चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।